प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। लेकिन पहले बात भारत चीन टकराव की करेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ड्रैगन को मात देने के लिए भारत की तैयारी क्या है? बॉर्डर पर भारत की बढ़ती ताकत से बौखलाए चीन का नया शिगुफा क्या है? भारत चीन तनाव की सभी बड़ी खबरें आप देखिए टॉप 9 LAC पर टक्कर। भारत अब चीन कोसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर चुका है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मनाली से लेह को जोड़ने वाले 280 किलोमीटर लंबा मार्ग लगभग बना लिया है। इससे इस दूरी को तय करने में 5 से 6 घंटे की बचत होगी। इस रास्ते से आसानी से सैनिकों को रसद और हथियार पहुंचाए जा सकेंगे और पूरे साल आवागमन जारी रहेगी। अपनी विस्तारवादी नीतियों और तमाम मोर्चों पर दुनिया भर में घिरे चीन ने भारत के खिलाफ एक नया शिगुफा छोड़ दिया है। उसके सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने फर्जी आशंका जताई है कि भारत सर्दियों में उसके खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। उसने कहा कि मोदी सरकार राष्ट्रवादियों को खुश करने के लिए दबाव में है। चीन की ये कोशिश खुद को पाक साफ दिखाने की है। लद्दाख में भारत के रणनीतिक जवाब से चीन बुरी तरीके से फंस गया है। LAC के अतिक्रमण के बाद वो खुद को बालू के दलदल में फंसे जैसी स्थिति में पा रहा है। ये बात यूरोप के थिंक टैंक यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज ने कही है। संस्था के अनुसार इस विवाद में भारत ने पैंगोंग सो समेत कई ऊंचाई वाले हिस्सों में अपनी स्थिति मजबूत की। LAC पर सीमा विवाद के बीच चीन अपनी दोहरी चाल से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ जहां चीनी सरकार शांति का दिखावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वहां की सरकारी मीडिया उकसावे वाला बयान दे रही है। चीनी सरकार का भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत को खुलेआम धमकी देते हुए कहा है कि युद्ध की स्थिति में भारत के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। मॉस्को में भारत चीन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने चीनी समकक्ष जनरल वेई फेंगही को 2-2 संदेश दिया है कि उसे LAC पर सख्ती से सम्मान करना चाहिए। वहीं चीनी विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि उन्हें रक्षा मंत्री ने कहा है कि दोनों देशों के तनाव के लिए भारत पूरी तरह से जिम्मेदार है। चीन के पास ताकत है और वो एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगा। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के लिए चीन रक्षा मंत्री इतने आतुर थे कि वे होटल तक जाने को तैयार थे। भारतीय दल के मॉस्को रवाना होने से पहले ही चीन की तरफ से बातचीत की पेशकश की गई थी, लेकिन भारत ने मंजूरी नहीं दी। इसके बाद चीन काफी परेशान हो गया था। आखिरकार मुलाकात के दौरान चीनी पक्ष भारत की हर बात काफी ध्यान से सुन रहे थे। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य एशिया के देशों उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और डिफेंस डील पर चर्चा की। राजनाथ सिंह ने इन देशों के साथ मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों की वकालत की। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। मॉस्को में SEO की बैठक में भाग लेने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अचानक ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गए। राजनाथ सिंह ने इस दौरे की सूचना खुद ट्वीट करके दी है। उन्होंने इस दौरान ईरानी समकक्ष से भी मुलाकात के कार्यक्रम की जानकारी दी। चीन से हालिया तनाव के बीच ईरान दौरे पर भारत के रक्षा मंत्री का पहुंचना रणनीतिक लिहाज से भी काफी अहम माना जाता है। चीन के ग्लोबल टाइम्स से प्रकाशित एक रिपोर्ट के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ऐसा क्यों है कि चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो या फिर आतंकवादी हो, ये सब लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर कहा था कि चीन से जारी तनाव के बीच कांग्रेस के ताबड़तोड़ हमलों से बीजेपी और मोदी भारी दबाव में है। आतंकी सलाहुद्दीन के साथ ISI इमरान की शामत आई। पाकिस्तान की गुस्ताखी का भारत ने कैसे जवाब दिया? किसने कहा चीन के खिलाफ एकजुट हुई दुनिया? भारत के खिलाफ चीन की लामबंदी की सभी बड़ी खबरें टॉप 9 चीन पाक साजिश में देखिए। दुनिया में पाकिस्तान की एक और बड़ी फजीहत होनी तय है। उसके पाले पोसे गए आतंकी सैयद सलाहुद्दीन से जुड़ा सनसनीखेज दस्तावेज सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि उसके तार सीधे ISI से जुड़े हैं। पाकिस्तानी खुफिया निदेशालय की ओर से जारी दस्तावेज में कहा गया है कि वो ISI के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियां चलाता है। बार बार मुंह की खाने के बाद भी LOC पर पाकिस्तान की करतूत कम होने का नाम नहीं ले रही। बाजवा की सेना ने कल सुबह से ही जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के शाहपुर, किरनी और देगवार सेक्टरों में गोलीबारी शुरू कर दी और मोर्टार दागे। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के खिलाफ साजिश में जुटा पाकिस्तान अपने घर की आवाज दबाने के लिए हत्याएं करने में जुटा है। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शाहीना शाहीन की बलूचिस्तान के केच जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। लैंगिक समानता के समर्थक शाहीना को महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाने के लिए जाना जाता था। भारत चीन तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन के रवैये की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया एक केंद्रीय समझ के साथ एकजुट होने लगी है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सोच के खिलाफ है। ड्रैगन की नीति निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रतियोगिता की नहीं है। चीन अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करते हुए अब अंतरिक्ष से हमला करने की तैयारी में है। वो अपने रोबोट, सैटेलाइट, जैमर और किलर मिसाइलों की मदद से संचार प्रणाली को ठप करने की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिका ने इस बारे में 200 पन्ने की एक रिपोर्ट US कांग्रेस को सौंपी है। इसमें कहा गया है कि चीन अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट्स मार गिरा सकता है।
दुनिया को महामारी के संकट में ढकेलने वाला चीन अपनी ताकत मजबूत करने में जुटा है। उसने रियूसेबल तकनीक के इस्तेमाल में पहली सफलता हासिल कर ली है। जानकारी के अनुसार चीन ने जियू कुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से दोबारा इस्तेमाल की जाने वाली स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। हालांकि ये किस मिशन का हिस्सा है इसका भी खुलासा नहीं किया गया। अगले हफ्ते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हो सकती है। मुलाकात के दौरान एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर एक समझौता भी हो सकता है। ये मुलाकात 10 सितंबर को रूस यात्रा के दौरान मॉस्को में संभावित है। भारत ने अब उत्तराखंड बॉर्डर पर भी चीन को घेरने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। भारत ने लिपुलेख तक जाने के लिए नई सड़क बनाई है, जिससे चीन के किसी भी हिमाकत करने पर इंडियन आर्मी लिपुलेख तक आसानी से पहुंच सकेगी और सही वक्त पर मुंहतोड़ जवाब दे सकेगी। वहीं लिपुलेख के पास तकलाकोट में भी चीन सड़क बनाने की तैयारी तेज कर रहा है। एलएसी पर तनातनी के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हिमालय पर जंग के लिए चीन तैयारी में जुटा है। खबर है कि चीन ने बॉर्डर पर SZ-10 एंटी टैंक मिसाइल तैनात किए हैं। चीन ने भारत के T-90 भीष्म टैंक के जवाब में अपने SZ-10 एंटी टैंक मिसाइल तैनात किए हैं। बॉर्डर पर दोनों देशों के टैंक एक दूसरे के रेंज में है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी जो बिडेन के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है। अब इस चुनाव को लेकर उसामा बिन लादेन की भांजी ने ट्रंप पर दाव लगाते हुए अमेरिकियों को डराने वाला बयान दिया। दुनिया को कोरोना महामारी देने वाला चीन अब अपनी वैक्सीन दिखा रहा है दुनिया भर में, और हो क्या रहा है? टॉप 9 ग्लोबल में देखिए। पाकिस्तान में मारे गए अलकायदा सरगना उसामा बिन लादेन की भांजी ने नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप पर दाव लगाया है। स्विट्जरलैंड में रहने वाली लादेन की भांजी नूर बिन लादेन ने कहा है कि अगर ट्रंप के प्रतिद्वंदी जो बाइडेन जीते तो फिर 9/11 जैसे हमले हो सकते हैं। नूर बिन ने कहा, ओबामा बिडेन के दौर में आतंकी संगठन ISIS फला फूला। अमेरिका में इसी साल मार्च में अश्वेत नागरिक डैनियल क्रूज की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। न्यूयॉर्क के रोचेस्टर में शनिवार को न्याय की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हाल के महीनों में जॉर्ज फ्लॉयड और जेकब ब्लैक की पुलिस के हाथों मौत पर पहले से ही अमेरिका में बवाल हो रहा है। अमेरिका के टेक्सास में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में हो रही वोट रैली में एक वोट संतुलन बिगड़ने से डूब गई। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से कहा गया है कि इसमें कोई शख्स हताहत नहीं हुआ। यहां कई बोट पर युवा सवार दिखे जो रेस लगा रहे थे। इससे पहले भी ट्रंप के समर्थन में दूसरे शहरों में वोट रैली हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच जैसे जैसे उद्योग धंधे फैक्ट्री और कामकाज शुरू हो रहे हैं, इसका सकारात्मक असर रोजगार के मुद्दे पर भी दिखाई देने लगा है। अमेरिका में जुलाई में बेरोजगारी दर 10.2% थी, जो कि अब घटकर अगस्त में 8.4% हो गई है। अगस्त में करीब 14 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। कोरोना काल में अमेरिका में बेरोजगारी दर 13% पहुंच गई थी। बेरूत में महीने भर पहले हुए धमाके के बाद खंडहर बने इमारतों के मलबे में अब भी जिंदगी की तलाश की जा रही है। इंजीनियर आधुनिक उपकरणों और कैमरों के सहारे इस बात का पता लगाने में लगे हैं कि कहीं कोई इंसान इन मलबों में दबा तो नहीं। बेरूत में हुए धमाके ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। धमाके में करीब 200 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 7,000 लोग घायल हुए थे। दुनिया में कोरोना संकट के बीच ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में हजार लोग लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। मेलबर्न में पास में जुटे लोग और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। विक्टोरिया में भी लॉकडाउन में मिली मामूली छूट के विरोध में सरकार और मीडिया के खिलाफ नारेबाजी की। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैलाने वाला चीन अब इसकी वैक्सीन बनाने के दावे का प्रचार कर रहा है। बीजिंग में शुक्रवार से शुरू हुए चाइना ट्रेड फेयर में एक ऐसे वैक्सीन को लोगों के सामने रखा गया जो अभी ट्रायल के तीसरे चरण में है। इसको बनाने वाली कंपनी का दावा है कि साल के आखिर तक वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। पूरी दुनिया कह रही है कि चीन के वुहान से फैला कोरोना 188 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले चुका है, लेकिन चीन कोरोना पर अपनी जीत की कहानी दुनिया को डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए बता रहा है। नई सीरीज में बताया गया है कि कोरोना काल में कैसे चीन ने आपदा को अवसर में बदला और दुनिया को कई चीजों की सप्लाई कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने की कोशिश की। दुनिया भर में चाइनीज माल के बहिष्कार के बीच चीन की कंपनी ऑनर ने अपनी नई स्मार्ट वॉच और लैपटॉप को जर्मनी में लॉन्च किया। बर्लिन में आयोजित IFA शो में कंपनी ने नए मॉडल्स का खुलासा करते हुए मार्केट से अच्छे रिस्पांस की उम्मीद जताई। ऑनर को उम्मीद है कि ये घड़ियां तकनीक प्रेमियों और खेल प्रेमियों की नजर में जरूर आएंगी। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज, 24 घंटे में आए 90,000 से ज्यादा नए मामले। कारोबार शुरू करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश ने किया बड़ा उलटफेर। यात्रियों के लिए किया है रेलवे का बड़ा ऐलान। किस सांसद पर पत्नी ने मारपीट का आरोप लगाया? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 रश। भारत में 24 घंटे में 90,600 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। ये अब तक एक दिन में मिले सबसे ज्यादा नए केस हैं।
24 घंटे में 1044 लोगों की मौत हो गई। भारत में 41,10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 8,61,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अब तक करीब 71,000 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 70% से ज्यादा है। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्यों की रैंकिंग जारी कर दी है। कारोबार में आसानी के मामले में यूपी ने सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए 12वें पायदान से छलांग लगाकर दूसरे पर पहुंचा, जबकि दूसरे पायदान पर काबिज तेलंगाना तीसरे नंबर पर पहुंच गया। कारोबार में आसानी मामले में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर ही बरकरार है, दूसरे पर यूपी, तीसरे पर तेलंगाना, चौथे पर एमपी और पांचवें पर झारखंड है। मेरठ पुलिस ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा वसूल रहे नरेंद्र राणा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स नरेंद्र राणा मंदिर से अनाउंसमेंट कराकर चंदा अपने खाते में जमा करा रहा था, जिसकी शिकायत विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस से की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कार्यालय को सील कर दिया है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से अपने गांव लौटे प्रवासी मजदूर अब फिर शहर की ओर लौट रहे हैं, जिससे ट्रेनों में वेटिंग बढ़ गई है और इसे देखते हुए रेलवे ने 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इन स्पेशल ट्रेनों के लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू होगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि ट्रेनें पहले से ही चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी। रेलवे में 1,40,000 खाली पदों को भरने के लिए पहले चरण की परीक्षा का आयोजन 15 दिसंबर को होगा। एनटीपीसी के 35,208 आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में 16,063 और ग्रुप डी के 1,03,000 पदों के लिए चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले चरण की सीबीटी 1 परीक्षा का आयोजन 15 दिसंबर 2020 से किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में किशन गंगा नदी से 2 आतंकियों के शव बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान तुलेल इलाके से आतंकियों के शव के पास से 2 AK-47, 4 मैगजीन, 1 पिस्टल हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि दोनों आतंकी पिछले साल से घर से लापता थे और आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गए थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मारे जाने से बौखलाई पाकिस्तानी सेना भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रही है। कुपवाड़ा के नौगांव सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारतीय सेना भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अभिनेता से राजनेता बने केंद्रपाड़ा से बीजेपी सांसद अनुभव मोहंती के खिलाफ पत्नी वर्षा प्रियदर्शनी ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। कटक के SDJM कोर्ट में घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया गया, जिस पर 7 नवंबर को सुनवाई होगी। वर्षा प्रियदर्शनी ने सांसद अनुभव मोहंती पर मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। UPSTF और MP पुलिस ने मिलकर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने ग्रेटर नोएडा से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 17 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजा की कीमत 8 करोड़ रुपए आंकी गई है। गांजा सप्लाई के लिए तस्कर बंद बॉडी की गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। सुशांत केस से जुड़े हुए ड्रग मामले में आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आज नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शोविक और सैमुअल के सामने रिया से पूछताछ करेगा। रिया और शोविक के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने अपने बेटे की गिरफ्तारी को लेकर जांच पर तंज भी कसा। बॉलीवुड की सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 सुशांत मौत मिस्ट्री। सुशांत केस में ड्रग्स से जुड़े मामले में अपने भाई शोविक की गिरफ्तारी के बाद अब रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ड्रग्स केस में आज रिया चक्रवर्ती को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ के लिए बुलाया है। शोविक और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ के बाद रिया पर शिकंजा कसा है। हो सकता है कि रिया को NCB आज ही गिरफ्तार कर ले। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक साथ में ड्रग्स लेते थे। लॉकडाउन के दौरान सुशांत ने ज्यादा ड्रग्स लिया और ये सारा ड्रग्स शोविक ने मुहैया करवाया। मिरांडा सिर्फ कैरियर था, यानी ड्रग्स मुहैया करवाता था, उसने कभी ड्रग्स नहीं ली। रिया शोविक और सैमुअल मिरांडा के जरिए ही ड्रग्स मंगवाती थी। सुशांत केस में ड्रग्स से जुड़े मामले में उनके स्टाफ रहे दीपेश सावंत को भी NCB ने कल देर शाम गिरफ्तार कर लिया। दीपेश को आज मुंबई की कोर्ट में पेश किया जाएगा। दीपेश सावंत का नाम शोविक और सैमुअल मिरांडा की पूछताछ में आया था। 2 दिनों से NCB दीपेश से लंबी पूछताछ कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक उसने रिया शोविक के कहने पर 5-6 बार ड्रग्स खरीदने की बात मानी है। ड्रग्स केस में अपने बेटे शोविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने तंज कसने के अंदाज में कहा है कि बधाई इंडिया, आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुझे यकीन है कि अगला नंबर मेरी बेटी का है और नहीं पता कि उसके बाद किसकी बारी आएगी। आपने एक मिडिल क्लास परिवार को बर्बाद कर दिया, लेकिन हाँ, न्याय के नाम पर सब कुछ जायज है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को कल मुंबई की अदालत ने 9 सितंबर तक NCB रिमांड में भेज दिया। अब दोनों से रिमांड में ड्रग्स के तार कहां कहां जुड़े हैं NCB पता लगाएगी। सूत्रों के मुताबिक पहले ही दोनों ड्रग्स मंगवाने की बात मान चुके हैं। दूसरी तरफ ड्रग पैडलर कैजान इब्राहिम को जमानत मिल गई है।
सुशांत की इसका सच पता लगाने में जुटी सीबीआई ने कल सुशांत और रिया के दोस्त रही स्मिता प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया था। स्मिता ने सुशांत को लेकर कई अहम जानकारियां सीबीआई को दी हैं। स्मिता ने कहा, सुशांत जैसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, सीबीआई की जांच सही दिशा में चल रही है और सच जल्द सामने आएगा। सीबीआई ने कल सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। मीतू ही सुशांत के साथ रिया के 8 जून को घर छोड़ने से लेकर मौत के एक दिन पहले तक 13 जून तक की थी। मीतू के साथ सीबीआई ने सुशांत के फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और केशव से भी सीबीआई ने लंबी पूछताछ की। सीबीआई ने मीतू से 8 से 13 जून के बीच क्या क्या हुआ इसको लेकर सवाल जवाब किए। खुद को सुशांत का दोस्त होने का दावा करने वाले संदीप सिंह से कल पहली बार सीबीआई ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। संदीप सिंह वही शख्स है जो सुशांत की मौत वाले दिन मीतू सिंह के साथ घर से लेकर अस्पताल तक मौजूद था। सुशांत की दोस्त रही स्मिता पारिक ने सीबीआई से पूछताछ के बाद कहा था कि संदीप और एक मिस्ट्री गर्ल से आज पूछताछ हो रही है, आज उसकी बैंड बजेगी। कल सीबीआई एक बार फिर बांद्रा में सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची। सीबीआई की टीम के साथ सुशांत की बहन मीतू सिंह, एम्स के डायरेक्टर, सुशांत के कुक नीरज, केशव और उनके साथ फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी भी थे। सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने पहुंची। इससे पहले भी सीबीआई की टीम कई बार क्राइम सीन को रिक्रिएट कर चुकी है। दिल्ली में मेट्रो परिचालन की तैयारियों का आज जायजा लेंगे परिवहन मंत्री। दिल्ली में कहां पर किन्नरों के गुरु की हत्या हुई, नोएडा मेट्रो में मास्क ना लगाना पड़ेगा महंगा। बिजनेसमैन गौरव चंदेल की हत्या के मुख्य आरोपी कहां से गिरफ्तार हुआ। दिल्ली मुंबई से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 दिल्ली मुंबई। दिल्ली में 7 सितंबर से शुरू हो रहे मेट्रो परिचालन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत आज 10:30 पर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का दौरा करेंगे और अधिकारियों के साथ मेट्रो परिचालन की तैयारियों का जायजा लेंगे। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 5 माह से मेट्रो सेवा बंद थी। दिल्ली के जीजीबी एन्क्लेव इलाके में बदमाशों ने किन्नरों के गुरु एकता जोशी की गोली मारकर हत्या कर दी। रात 9 बजे के करीब जैसे ही एकता जोशी अपने घर पर पहुंची, घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फरार हो गए। एकता जोशी को 3 गोलियां लगी जिससे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कोरोना महामारी के बीच 7 सितंबर से शुरू होने वाली नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो में विशेष सख्ती बरती जाएगी। मेट्रो में बिना मास्क यात्रा करते पाए जाने वाले यात्रियों पर 500 रुपए और थूकते पाए जाने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। कोरोना की वजह से पिछले 5 महीने से मेट्रो सेवा बंद थी जो सोमवार से फिर शुरू होने जा रही है। राजधानी दिल्ली में नालियां छोक होने से सिर्फ 1 घंटे की बारिश में ही कई इलाकों की सड़कें लबालब हो गई। सबसे पॉश इलाके लुटियंस जोन की कई सड़कों पर पानी भर गया जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही सांसदों के बंगलों के बाहर भी पानी जमा हो गया। दिल्ली में 67 दिन बाद कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,000 नए केस सामने आए हैं जिसमें 25 लोगों की मौत हुई। इनको मिलाकर कोरोना मरीजों की संख्या 1,63,000 के पार पहुंच गई है जिसमें 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। राजधानी में कोरोना से अब तक 4,538 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में की जा रही नकली नोटों की तस्करी के मामले का पर्दाफाश करते हुए 4 नोट तस्करों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 1,34,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। साथ ही 20,000 के अर्धनिर्मित नकली नोट, नोट बनाने में काम आने वाले लोहे का फ्रेम, स्याही, कटर, स्कैनर, प्रिंटर भी बरामद किया है। दिल्ली में कोरोना महामारी के चलते पिछले 5 महीने से बंद रही निजामुद्दीन दरगाह आज से सभी लोगों के लिए खुलने जा रही है। दरगाह में कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जगह जगह सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई है। बिना मास्क वालों को दरगाह में प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। एकनाथ खड़से ने कहा कि मैं महाराष्ट्र में सीएम पद का दावेदार था लेकिन मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाकर मुझे साइडलाइन कर दिया गया। जिस दिन मुझ पर आरोप लगे थे उसी दिन देवेंद्र फडणवीस हैकर मनीष से मिले थे जिसने मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे। नोएडा में बिजनेसमैन गौरव चंदेल की हत्या के मुख्य आरोपी प्रवीण उर्फ आसू को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरव चंदेल की हत्या के बाद से फरार चल रहा मिर्ची गैंग का सरगना प्रवीण भेष बदलकर विले पारवेल के प्रेमनगर इलाके में रह रहा था। यूपी क्राइम ब्रांच की निशानदेही पर मुंबई पुलिस ने प्रवीण उर्फ आसू को गिरफ्तार कर उसे यूपी पुलिस को सौंप दिया है। किस मशहूर मंदिर में भगवान के दर्शन पर रोक लगी, कहां जर्जर बालकनी ने ली सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान। लुधियाना में पूल पार्टी पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई। राज्यों की सभी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 अन्य राज्य। आंध्र प्रदेश की तिरुमला में विश्व प्रसिद्ध भगवान बालाजी के मंदिर में श्रद्धालुओं के मुफ्त दर्शन पर रोक लगा दी गई है। ये अलीपीरी से मंदिर इलाके का पहला प्रवेश द्वार है जहां भगवान के दर्शन रोके जाने पर श्रद्धालु विरोध प्रदर्शन और हंगामा कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं ने सड़क पर बैठकर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के खिलाफ नारेबाजी की। मध्य प्रदेश में जबलपुर रेल मंडल के इंजीनियरिंग विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां जबलपुर और कटनी के बीच कल चट्टान तोड़ने के लिए डुंदी रेलवे स्टेशन पर बारूद से ब्लास्ट किया गया। इस ब्लास्ट में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ लेकिन ओवरहेड लाइन क्षतिग्रस्त हो गई।
बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराधी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, सीवान के बाद आरा में भी नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। जगदीशपुर इलाके में नवीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ गांव के ही चार लड़कों ने अगवा करके गैंगरेप किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कानपुर कांड के मास्टरमाइंड और दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का फाइनेंसर जय वाजपेयी के हनक की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ब्रह्मनगर स्थित जय वाजपेयी के घर पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस चिपकाया हुआ है, लेकिन घर के सामने ट्रक लगाकर सामान लूट किया जा रहा है। दो दिन पहले ही एसएसपी की रिपोर्ट पर डीएम ने जय वाजपेयी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग की जर्जर बालकनी की रेलिंग गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीपक की मौत हो गई। क्लाउड 9 अपार्टमेंट के 11वें फ्लोर पर दीपक रहते थे, अपने दोस्तों के साथ फ्लैट की बालकनी में बैठे थे। बालकनी की ग्रिल अचानक दरक कर टूट गई और दीपक ग्रिल समेत नीचे गिर गए। दीपक ग्वालियर के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ऑटो सवार से मोबाइल और पैसे लूटकर भाग रहे बदमाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया। सूरजपुर के पास मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश अजय उर्फ अज्जू पकड़ा गया, जबकि उसके दो साथी मौके से फरार हो गए। पकड़ा गया बदमाश पहले भी ऐसे कई लूट को अंजाम दे चुका है। पंजाब के लुधियाना में कोरोना को लेकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर पूल पार्टी करने वाले 54 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शहर के एक अकाली नेता के बेटे ने अपने जन्मदिन पर दोस्तों को पूल पार्टी दी थी। पार्टी में डांसर्स का भी इंतजाम किया गया था। बिना इजाजत शराब भी परोसी जा रही थी। मौके से काफी तादाद में शराब की पेटियां भी बरामद की गई थी। कोरोना काल में डेयरी उद्योग भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। होटल ढाबे बंद रहने से डेयरी चलाने वाले वाराणसी के हर्षित कुमार का कारोबार पूरी तरह से ठप्प हो गया। दूध की सप्लाई कम होने से घाटा बढ़ गया। डेयरी के लिए गए लोन की ईएमआई और कर्मचारियों को सैलरी देना भी मुश्किल हो गया है। डेयरी चलाने वाले सरकार से राहत देने की मांग कर रहे हैं। कोरोना महामारी ने फूल विक्रेताओं की जिंदगी पर भी खास असर डाला है। मदुरई में फूल बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले फूल व्यवसायी काफी परेशान हैं। आमदनी कम हो जाने से उन्हें पेट भरने के भी लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि इस दौरान न तो मंदिर में ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं और न ही शादी ब्याह हो रहे हैं, जिसके चलते फूलों की बिक्री काफी कम हो गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।